ननद भोली या भाभी। काजल और नेहा किचन में काम कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नेहा, आज फिर महिमा की सहेली आने वाली है क्या? अगर आज भी उसकी सहेली आ गई ना तो मैं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, कहीं आज भी ननद जी की सहेली आई ना तो जितना बर्तन होता है उतना ही घर का काम भी बढ़ जाता है। मैंने उन्हें भी कहा था कि आप अपनी बहन की शादी करके यहाँ से उसे विदा कर दीजिए ना। हाँ दीदी, आपने सही कहा जेठ जी को, मैं भी रोज रोज की इस झमेले से ना परेशान हो चुकी हूँ। कल रात में ना मेरी कमर अकड़ गई है बर्तन धोते धोते, इतने बर्तन हो गए कि मैं परेशान हो चुकी थी। दोनों जिठानी देवरानी ये बातें कर रही थी तभी किचन में महिमा का आना होता है और वो अपनी भाभियों से कहती है, भाभी आज भी मेरी दो तीन कॉलेज फ्रेंड आ जाएगी तो कुछ अच्छा सा बना देना, और जो भी बनाओ ना ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। ठीक है ननद जी, आप बता दीजिएगा, मैं और दीदी मिलकर बना लेंगी। महिमा तो वहाँ से चली जाती है लेकिन किचन में नेहा के साथ खड़ी काजल नेहा को घूर रही थी। दीदी दूध उबल जाएगा, आप उधर भी ध्यान दीजिए ना। मेरा ध्यान दोनों तरफ है, अभी अभी हम बोल रहे थे ना कि आज भी महिमा के दोस्त आएगी और देखो वो हमें फरमाइशों की लिस्ट थमा कर चली गई। दीदी आप भी तो यहाँ खड़ी थी, आप ही उन्हें मना कर देती, आप तो कुछ बोलती नहीं बाद में मुझे सुनाती हैं। अब काम करके जो महिमा की सहेलियों की हाजिर जवाबी करनी पड़ेगी। हाँ दीदी सो तो है। कुछ समय बाद ही महिमा की दो सहेलियाँ आती है और महिमा अपनी भाभी को ऑर्डर देने लगती है। भाभी थोड़े और पकौड़े ले आना, और हाँ तब तक हम ये खा रहे हैं ना थोड़ा पुलाव और पनीर भी बना देना। दीदी नाना जी कह रही हैं पनीर और पुलाव भी बनाना है, तो क्या करें, बनाए क्या? बनाना तो पड़ेगा तुझे क्योंकि तूने हामी भरी है ना। दीदी आप तो जानती है मुझसे जल्दी जल्दी खाना नहीं बनता, आप ही कुछ कीजिए ना। क्या हाँ मेरी बदौलत किया था क्या फिर? अब काजल अपनी ननद के कहने पर उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाती है और जब नेहा महिमा की दोस्तों को पानी देने जाती है। रूबी ये देख मेरी छोटी भाभी है, तो इनकी शादी में आई थी याद है ना, नाचते नाचते पागल हो गई थी तू। हाँ यार कितना नाची थी हम, मजा ही आ गया था, कुछ भी कहे। सच कहूँ तो मेरी दोनों ही भाभियाँ ना बहुत अच्छी हैं, इनके जैसा कोई नहीं, जब जो कहती हूँ वो बना देती हैं। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, तब से लगी हैं, ऐसी भाभियाँ ना नसीब से मिलती हैं। हाँ मेरी भाभियों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जब नेहा भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है लेकिन जब वो जाने लगती है तो रूबी हंसते हुए महिमा से कहती है, तेरी भाभियाँ बहुत भोली हैं, ऐसे काम करती है जैसे नौकर हो। सही है यार तेरे मजे, जब जो बोले तेरी दोनों भाभियाँ नौकरों की तरह लगी रहती है, कभी कुछ कहती भी नहीं है। भोली तो है, जब जो कह दो बस लगी रहती है, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ बुला पाती हूँ। ये सब नेहा सुन लेती है और वो गुस्से में किचन में पहुँचती है जहाँ काजल पूड़ी तल रही थी। वो नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात हो गई जो शक्ल पर 12 बजा कर आई है, सब ठीक है ना? दीदी आपको पता है पहले तो ननद जी की सहेलियों ने मेरी तारीफ की, और जब मैं वहाँ से किचन में आने लगी तो ननद जी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी। ऐसा क्या बोल दिया जो तेरे शक्ल इतनी उतर गई? कह रही थी तेरी भाभियाँ कितनी भोली है जो तेरी बातों में आ जाती है और नौकरों की तरह काम में लगी रहती है, और तू भी उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती है। अच्छा तो उन्होंने हमें भोला भाला समझ लिया है, इनकी सब्जी में ऐसी मिर्च डालूंगी कि ये उठने बैठने के लायक नहीं रहेगी। नहीं नहीं दीदी हमें तो सब समझ में आ रहा है कि कौन भोला है और कौन नहीं। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी कि हमें महिमा को समझाना ही होगा, वरना ऐसा रहा तो मेरी तो गृहस्थी उजड़ जाएगी, कहीं मैं महिमा के चक्कर में तलाक ना ले लूं। नहीं 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 दीदी हमें दीदी को ही अच्छे तरीके से समझाना होगा। जब देर शाम महिमा की सहेलियां चली जाती है तो महिमा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मेरी सहेलियां भी आपके हाथों के खाने की तारीफ कर रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने कानों से ही सुनी, तभी यकीन हुआ हमें कितना प्यार मिल रहा है इस घर में। हाँ सच में आप दोनों ने घर को माँ के बिना बहुत अच्छे से संभाल रखा है। चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, कल भी हो सके तो मेरी ऑफिस की लड़कियाँ आ सकती हैं। महिमा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पहचानो कि कौन कैसा है, आप ना बहुत भोली हो। मुझे अच्छे से पता है किससे कब और कौन सा काम निकलवाना है। तभी तो हमें नौकर समझ कर रखा है। कुछ कहा क्या भाभी? अरे कुछ नहीं नेहा,
चल किचन में, बर्तन है ना, आज के बर्तन तुझे धोने, याद है ना? तब तक मैं किचन और हॉल साफ कर देती हूँ। काजल और नेहा घंटों सफाई करते हैं, तब जाकर किचन साफ और हॉल की सफाई होती है। तब जाकर काजल और नेहा को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये अब रोज रोज का हो गया था। महिमा अपनी किसी न किसी दोस्त को रोज ही बुला लिया करती और महिमा की सहेलियों की खातिरदारी काजल और नेहा को करनी ही पड़ती। दीदी आप यहाँ आराम से नाटक देख रही हैं, वहाँ ननद जी की सहेलियाँ आ गई हैं और ननद जी कह रही हैं कि कुछ अच्छा सा बना दो। ऐसा कर तू उन्हें बोल के खुद जाकर बना ले, ये जितनी मूर्ख अपनी सहेलियों से बन रही है ना, वो उतना ही उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन अभी तो वो लोग बैठे हैं, अभी कुछ कहने का फायदा भी नहीं है, बिना बात ही क्लेश होगा, आप तो जानती हैं। सही कह रही है तू, अभी कुछ बोला तो खामखा हमारी ही बेइज्जती करेगी। चलो ना दीदी फिर हम काम पर लग जाते हैं, लेकिन आज ना हम ननद जी के दिमाग में उनकी सहेलियों के लिए जहर भी घोलना शुरू कर देंगे, वरना ये घर तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काजल और नेहा किचन में जाते हैं और महिमा जो भी कहती है बड़े ही प्यार से बनाकर महिमा के सहेलियों को खिला पिला भी देती है। लेकिन जब शाम में महिमा की सहेलियां चली जाती है तो काजल महिमा से कहती है, महिमा दीदी आपकी सहेली तो मुझे अमीर और अच्छे घरों से लगती है, आप तो हर दिन किसी न किसी से मिल लेती है, लेकिन हमारी शादी के बाद तो हमने अपनी सहेलियों को याद तक नहीं किया क्योंकि हमें पता है वो मिलेंगी नहीं। हाँ भाभी आपका भी मन होता होगा ना अपनी सहेलियों से मिल लो जाओ। मुझे तो जब अपनी सहेलियों की याद आती है ना तब मैं रो लेती हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। भाभी आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी के बाद मैं भी अपनी सहेलियों से नहीं मिल पाऊंगी। वैसे ननद जी आप अपने घर अपनी सहेलियों को बुलाती हैं लेकिन कभी उनके घर क्यों नहीं जाती? ये आइडिया भी बुरा नहीं है, रुकिए मैं अभी रूबी और किरण को फ़ोन करती हूँ। हाँ हाँ जब आप उन्हें बुलाती हैं तो आपको भी उनके घर जाना चाहिए, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। ये तो काजल और नेहा की चाल थी और भोली भली महिमा इस चाल में फंस भी जाती है जब महिमा अपनी सहेली रूबी को फोन लगाती है। अरे रूबी कैसी है? मैंने इसलिए फोन किया कि कल ना मैं तेरे घर आ रही हूँ तो तू कुछ अच्छा सा बनवा लियो। अरे नहीं नहीं मेरी माँ इन सबके सख्त खिलाफ है, अच्छा होगा कि तू कहीं बाहर मिल, लेकिन घर पर पार्टी खाना ये सब नहीं कर सकती मैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो फोन ही काट दिया। क्या हुआ ननद जी सब ठीक है ना? अरे फोन काट दिया ये कहकर कि घर में खाना पार्टी ये सब नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी ननद जी। आप जितनी भोली है उतना ही आपका आपकी सहेलियां इस्तेमाल कर रही हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी किरण का भी मैसेज आया है, वो भी कह रही है कि उसकी फैमिली ये सब नहीं करने देंगी घर में, किसी का आना मिलना यहाँ तक तो ठीक है लेकिन पार्टी खाना ये तो सोचना भी मत। बताओ और हम तो इनकी इतनी सेवा करते रहे जैसे ये लोग भगवान हैं। ननद जी बहुत बुरा हुआ आपके साथ तो। अब ये लोग मेरे घर आए ना तो धक्के मार कर निकालूंगी इन्हें। और होता भी ऐसा ही है। कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज़ अचानक ही महिमा के घर उनकी दोस्त आती है और कहती है, अरे महिमा कुछ बनवा ली ना, आज हम शॉपिंग करके आए बहुत थक गए। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर में पार्टी नहीं दे सकती, घर वालों ने मना किया है। हाँ पानी पिला सकती हूँ। अरे तू कैसी बात कर रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 मुझे बस समझ में आ गया है कि तुम लोग मेरा किस तरह फायदा उठा रहे हो। महिमा अपने दोस्त को वहाँ से भगा देती है और फिर कभी किसी को अपने घर में ना तो खाने पर और ना ही पार्टी पर बुलाती है। आज फिर पूरी रात स्नेहा की आंख में नींद नहीं थी, रह रहकर पापा की याद आ रही थी और आंखों के साइड से आंसू गिर रहे थे। अरे यार स्नेहा प्लीज फिर मत शुरू हो जाओ तुम, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप करवट लेकर सो जाती है। अगली सुबह 16 साल का बेटा जय कहता है, क्या बात है माँ, आज रात भी नींद नहीं आई क्या तुम्हें? नानी की याद आ रही है। नानी की जाने के बाद नाना की चिंता होती है, न जाने कैसे रहते होंगे रात भर। स्नेहा के पिता उसकी माँ के जाने के बाद अकेले हो गए हैं। दिन में तो फिर भी नौकरानी काम कर जाती है लेकिन रात में अगर कुछ हो गया तो कोई कैसे संभालेगा, ये चिंता स्नेहा को खाई जा रही थी। देखो स्नेहा रात रात भर जाकर क्या हालत बना ली है, आंखों के नीचे कितने काले घेरे हो गए हैं, लग रहा है जैसे रात भर सोती ही नहीं हो। पापा की चिंता होती है। उन्हें क्या हो गया, अब
भगवान की दया है, हाथ पांव चलते तो हैं उनके। घर में मेड है, सारा काम करती है, आसपास के लोगों से अच्छी बातचीत है, अब दिक्कत कहाँ है? आपकी मम्मी पापा का भी मैंने पूरा ख्याल रखा था, ट्यूशन अच्छी चल रही थी मेरी, फिर भी मैं सब गई थी ना छोड़कर। देखो तुमसे ना मैं बहस ही नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे सास ससुर थे, माना आज वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, समझी? पति तो ये बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन स्नेहा ये बोलते हुए रुक जाती है कि मेरे पिता भी तो तुम्हारे ससुर हैं। स्नेहा रोने लग जाती है, तभी बेटा आ जाता है। माँ रो मत, मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो हम चलेंगे नाना जी के शहर में रहने, ठीक है ना? स्नेहा अपने मायके जाती है, उसे देखकर पिता खुश हो जाते हैं। अरे बेटा तो कब आई, बता देती मैं स्टेशन आ जाता लेने। नहीं पापा, मैं तो टैक्सी करके आ गई। बेटी घर देखती है, ये वही घर है जहाँ वो माँ और पिता के साथ जब रहा करती थी तो पूरे मोहल्ले का सबसे चहकने वाला मकान हुआ करता था, लेकिन अब तो वहाँ पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। ये क्या है पापा, कैसी नौकरानी है, उसे मैं जब भी फोन करती हूँ तो कहती है घर साफ कर रही हूँ, लेकिन घर देखकर तो लग रहा है कि बरसों से साफ नहीं हुआ है। क्या करे बेटा, घर नौकरानी से नहीं बेटियों और बहुओं से बनता है। खैर तू आई है, रुक मैं चाय बनाता हूँ। स्नेहा पिता की ओर देखती है कि ये वही पिता है जो एक ग्लास पानी के लिए भी माँ या फिर उसे देखा करते थे, लेकिन आज पापा आप बैठिए, मैं हूँ ना, मैं बनाकर लाती हूँ। तू तो है ही बेटी, लेकिन कब तक, लौट कर परिवार में जाना है तुझे। पापा चलिए ना, आप भी वहीं रहो मेरे साथ, मेरे साथ ससुर तो रहे नहीं जो आपको सोचना पड़े। नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा घर छोड़कर मैं नहीं आ सकता, फिर इस शहर में सारे रिश्तेदार हैं, कल ही तेरी बुआ का बेटा आकर गया है। और बेटा इस घर में तेरी माँ की यादें भी तो हैं। बेटी किचन में जाती है, चारों तरफ सामान बिखरा सा पड़ा होता है। बेटी जल्दी से सारा सामान सजाती है, पूरा घर साफ करती है और अच्छा सा खाना बनाकर पिता के साथ खाना खाने बैठती है। अरे वाह कढ़ी, मेरी फेवरेट, कब बना लाई बेटा? पता है पापा, तभी तो बनाई है, अब माँ के हाथों जैसा स्वाद तो नहीं होगा लेकिन पसंद आएगी। पिता बेटी पर गर्व महसूस करता है। दो चार दिन रहकर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी को वापस जाना होता है। बस इतने से दिन के लिए आई थी। पापा आप ठीक हैं, ये देखकर ही अच्छा लगा, मैं फिर आऊंगी। बेटी चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है पिता धम से गिर जाते हैं। पापा पापा क्या हो गया? वो किसी तरह पिता को अस्पताल ले जाती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अच्छा किया आपने इन्हें वक्त पर ले आई, थोड़ी और देर होती तो बहुत बुरा हो सकता था। बहुत बुरा मतलब? मतलब पिता की जान भी जा सकती थी। बेटी रोने लगती है, पिता का हाथ पकड़कर स्नेहा कहती है, पापा देखिए भगवान ने ही मुझे भेजा था आपके पास, मैं आज नहीं होती तो जीवन भर का पछतावा हो जाता। बेटा भगवान ने ही भेजा है तुझे मेरे लिए, सही बात है। दुख होता होगा ना पापा कि बेटी की जगह बेटा हो जाता तो। पिता बेटी के सर पर हाथ रख देते हैं। अरे तू ही तो है बेटा भी, बेटी भी, पत्नी भी, माँ भी, बेटा होता तो वो सिर्फ बेटा बनकर ही रह जाता, वो है ना पड़ोस के सक्सेना जी, पता है क्या बोल रहे थे? बेटी पिता की बात पर खो जाती है। बोल रहे थे किस्मत हो तो आपके जैसी, वरना उनकी बहू ने तो उनका बुरा हाल कर रखा है, घर पर होते हुए भी ऐसा लगता है कि अकेले हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ना कोई बात करता है ना कोई हंसता बोलता है, लाश की तरह हालत है उनके घर पर। बेटी समझ जाती है कि पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ठीक हो जाते हैं, वो घर आ जाते हैं। स्नेहा सब करके अपने घर जाती है जहाँ, वाह आ गई, मुझे तो लगा था कि अब नहीं आओगी, वैसे भी ना भी आती तो कोई फर्क नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप, नाना जी को अटैक आया था, आप गए उनसे मिलने? नहीं ना, क्यों? वक्त नहीं था मेरे पास, वैसे भी तेरी माँ तो थी ना वहाँ, यहाँ हम लोगों को छोड़कर तो चले गए थे सब। चलो ना पापा के शहर में रह लेते हैं, पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है,
दिन तो ठीक है लेकिन रात में कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अच्छा चलो फिर, ये किराए का मकान छोड़कर, नौकरी चाकरी छोड़कर तुम्हारे पापा के पास ही चलते हैं, क्यों? स्नेहा क्या कहती पति को, अरे इतने पैसे भी नहीं है कि खुद अकेले पिता के साथ रहने का फैसला कर ले। लेकिन पिता की चिंता उसे खाए जा रही थी। पति का कोई सपोर्ट ना मिल पाने के कारण किसी तरह दिन काट ही रही थी कि एक दिन, माँ माँ बताए मेरी नौकरी लग गई, वो भी कहा पूछो तो। कहाँ बेटा? नाना जी के शहर में। हाँ माँ, नाना जी के शहर में, और ऐसी नौकरी लगी है कि किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, ना पापा को बाहर और ना ही तुझे घर पर। मकान, नौकर, गाड़ी सब मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो भी नाना जी के घर के पास। माँ सारा दिन भगवान के सामने बैठी रहती थी ना। देख भगवान ने सुन ली तेरी। स्नेहा को तो मानो मन मांगी मुराद मिल जाती है। पिता का साथ, उनका ख्याल रखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्नेहा बेटे को जाने दो, हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन इस बार स्नेहा ने सोच लिया था उसे अपने पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। वो बेटे का हाथ पकड़ लेती है। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, माँ का, बीवी और बेटी का। मैं जाऊंगी और आपको आना ही होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है।